हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा अपडेट शेयर करने वाला हूं, प्लस कौन कौन से लॉन्चेस आ रहे हैं उसके लोकेशंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी आई एम श्योर आपको आइडिया होगा कि फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में पीएम मोदी जी इसका द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांवा साइड का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है द्वारका एक्सप्रेसवे की, उसका ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड चेक मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या द्वारका एक्सप्रेसवे रेडी है गुड़गांव वाली साइड इनॉग्रेशन के लिए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोज में लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे सही बिल्डर के साथ सही लोकेशन पे सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी वो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। अगर आप सामने देखेंगे तो वेलकम टू एनसीटी दिल्ली, द्वारका, धोलकुआ, आईजी एयरपोर्ट, और इस टाइप के वीडियोस मैंने पहले भी काफी बनाए हुए हैं जहाँ पे मैंने दिल्ली वाली साइड कवर करी हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं उधर वाली साइड का अपडेट कि एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन चल रही है दिल्ली वाली साइड। अभी मैं आपको यहाँ पे गुड़गांव वाली साइड लेके चलता हूँ एंड लेट्स मूव। तो अभी जो जिन सेक्टर्स में हम यहाँ पे खड़े हैं एग्जैक्टली, तो हमारे लेफ्ट साइड में आ जाता है सेक्टर 111 एंड राइट साइड में आ जाता है आपका सेक्टर 113। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा रुक के भी चलेंगे। तो जो आप राइट साइड में देख रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड का, जो ये आप देख रहे हैं लोकेशन, तो यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड की अभी एक फेज वन था जो लगभग एक साल पहले लॉन्च हुआ था, और फेज टू अभी लॉन्च होने वाला है। तो फेज वन के अंदर 1377 से लेके 2600 स्क्वेयर फीट तक के 2, 3, 4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशंस थे और काफी अच्छा सक्सेसफुल रहा था। तो फेज टू भी अभी लॉन्च होने वाला है, और यहाँ पे भी आपको 3 and 4, 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट और 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे लगभग 2100 से लेके और 2600 और 2900 स्क्वेयर फीट तक की कुछ डेक यूनिट्स आपको मिलेंगी, प्लस यहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहे हैं। तो दो इसमें आइकॉनिक टावर भी हैं जहाँ पे आपको इटालियन मार्बल हो गया, डेक बालकनीज हो गई, प्लस इसके अलावा वुडन वर्क हो गया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। अगर आप इस लॉन्च का हिस्सा बनना चाहते तो आप टाइप कर सकते हैं #1DXP और आप भेज सकते हैं उसको 8858484084 पे। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं इसके बिल्कुल ठीक आगे, तो ठीक आगे की अगर मैं बात करूं तो वहां पे अभी M3 अपना एक लॉन्च लेके आ रहा है। सामने आप देखोगे कैपिटल की कंस्ट्रक्शन चल रही है, फुल स्विंग पे कैपिटल की कंस्ट्रक्शन चल रही है M3 कैपिटल की। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अभी स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट की ब्रांडिंग हो जाएगी, तो उसी की ये तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे लगभग इन दो सेक्टरों में, सेक्टर 111 और 113 में M3 और स्मार्ट वर्ल्ड जिसका मैक्सिमम लैंड बैंक है यहाँ पे, वो यहाँ पे 250 एकड़ के अंदर स्मार्ट सिटी लेके आ रहा है। तो ये वाली एग्जैक्ट लोकेशन है अगर आप देखोगे राइट साइड में, जो स्मार्ट वर्ल्ड की और M3 कैपिटल के जो बीच वाला लैंड पैच है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे SCDA गोल्फ स्टेट 2 लेके आ रहा है M3M ओके। और यहाँ पे जो इनिशियल लेवल पे लॉन्च किया था उन्होंने कैपिटल, वहां पे छोटे साइजेस थे, फिर उसके बाद क्राउन लॉन्च किया था जो लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे अभी जो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है SCDA के अंदर ओके। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड की गैलरी है, उसके ठीक बैक साइड में अगर आप देखोगे तो क्रेन चल रही है करेक्ट। तो यहाँ पे अभी क्राउन लॉन्च किया था उन्होंने, उसके बाद फिर अब ये थर्ड प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर लेके आ रहे हैं M3M SCDA के अंदर गोल्फ स्टेट स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का, और SCDA की सारी ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़े साइजेस लेके आ रहे हैं प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस के साथ, 2100 से 3800 स्क्वेयर फीट तक के साइज लेके आ रहे हैं यहाँ पे, प्लस 1.25 लाख स्क्वेयर फीट का क्लब है। और लगभग अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, तो अभी यहाँ पे 1DXP की अगर मैं बात करूं तो अभी 20-20 ऑफर चल रहा है यहाँ पे, तो काफी अच्छे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स चल रहे हैं।
प्लस अगर मैं SCDA की बात करूँ तो यहाँ पे भी अभी इनका नाउ वाउ ऑफर चल रहा है अभी जनवरी फरवरी 2024 के अंदर। तो यहाँ पे जब मैं आपको एक्सप्रेसवे की कंडीशन दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बने बट मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो मैंने शुरुआत कर दी है अभी, लेट्स मूव अ लिटिल बिट अहेड। तो ये जो सेक्टर्स है सेक्टर 111 और 113, इसकी खूबसूरत बात ये कि ये बिल्कुल दिल्ली के पास में, और इससे ठीक पीछे ना अभी एक और प्रोजेक्ट था कशिश का, तो उसके अंदर भी फंडिंग आ गई है। SBI ने जो एक स्वामी फंड होता है 111 सेक्टर के अंदर, एक और प्रोजेक्ट है कशिश का मैनर वन, काफी टाइम से वो स्टक्ड प्रोजेक्ट था, 2014-15 के आसपास का प्रोजेक्ट है वो। तो वहां पे भी अभी स्वामी फंड जो 12,000 करोड़ का फंड है उसने भी इन्वेस्टमेंट करी है, तो वहां पे भी आपको 2 और 3 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती हैं और लोकेशन काफी प्राइम है उसकी ऑलराइट। और क्योंकि अभी स्वामी फंड आ गया है तो आप एक चीज गारंटी कर सकते हैं कि वहां पे डिलीवरी हो जाएगी। और उसका मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको लोकेशन अच्छी चाहिए बट अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि 1.5-2 करोड़ में आप 2 BHK मिल जाए आपको, या 2 BHK प्लस स्टडी मिल जाए, या फिर आपको 3 BHK 3 करोड़ के अंदर अंदर मिल जाए, 2.5-3 करोड़ के अंदर, तो वो आप एक ऑप्शन ले सकते हैं जहाँ पे आपके पास काफी स्पेशियस रूम मिल सकते हैं। तो ये थे कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स। तो साइड साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल वॉक की कंस्ट्रक्शन चल रही है आगे की तरफ, और पीछे M3M कैपिटल की कंस्ट्रक्शन चल रही है, यू कैन सी हियर कैपिटल वॉक एंड कैपिटल चल रहा है। अभी लेफ्ट साइड में एक और लॉन्च आ रहा है अगर आप देखेंगे तो, ये आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है, तो ये 2014-15 का आसपास का प्रोजेक्ट लॉन्च है और ये आज की डेट में लोग यहाँ पे रह रहे हैं और पूरी की भी जो कंस्ट्रक्शन है पूरी कंस्ट्रक्शन, इसका नाम ही पूरी कंस्ट्रक्शन है, तो ये काफी रेप्यूटेड बिल्डर्स के लिए भी इन द पास्ट कंस्ट्रक्शन कर चुका है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आप ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे, तो 9.5 एकड़ के अंदर अपना ये Phase 3 लेके आ रहा है। तो Phase 1 Phase 2 उस टाइम पे भी था मार्केट में जब ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे इनिशियल लेवल पे, वहां पे हमने काफी अच्छी सेल करी थी। तो अभी इसका Phase 3 आ रहा है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पुरी के अंदर तो इन्होंने लगभग 50 साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, 5,000 लग्जरी अपार्टमेंट इन्होंने डिलीवर करे हुए हैं, इससे पहले ओरो की भी कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। इवन अगर आप बात करें गोल्फ कोर्स रोड पे जो MR के प्रोजेक्ट है लाइक पाम स्प्रिंग जो वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी हाई एंड प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स रोड पे, तो उसकी भी कंस्ट्रक्शन पुरी ने करी हुई है। तो यहाँ पे उसके बाद उन्होंने अपने भी काफी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गुड़गांव की तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक ग्रीन्स हो गया सेक्टर 104 में भी रस्ते में आएगा, एमराल्ड बे है, फिर सेक्टर 62 के अंदर भी इनका एक प्रोजेक्ट है पुरी रावीलेज, इसके अलावा फरीदाबाद में इनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो काफी रेप्यूटेड बिल्डर है पुरी भी और वो अपना एक नया लॉन्च लेके आ रहा है। तो अगर आप पुरी के अंदर भी इंटरेस्टिंग है तो आप #Puri111 और आप उसको भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे 8858484044 पे अगर आप इस लॉन्च का पार्ट बनना चाहते हैं। और राइट साइड में अगर मैं देखूं तो ये आपको दिख रहा होगा ये ब्रांडिंग अभी नहीं हुई है बट यहाँ पे टीन्स लगी हुई हैं और एक सेपरेशन हो रखी है। तो यहाँ पे भी आने वाले टाइम के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे प्लान्ड है ऑफिस स्पेस का कॉन्सेप्ट, जैसे अगर आपने देखा होगा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे M3M ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ऑफिस स्पेस है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रिटेल है प्लस उसके ऊपर हाई एंड ऑफिस स्पेस है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है बैरिकेडिंग हो रखी है यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे आपको ऑफिस स्पेस IFC 2 दिखाई दे सकता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर 2 दिखाई दे सकता है। हालांकि अभी कोई प्लानिंग है ये अभी इसका ऑफिशियली डिटेल्स रिवील नहीं हुई है बट मैं आपको एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या प्लानिंग है। इसके ठीक साथ में SCOs हैं आपके M3M के ही लोकेशन के और यहाँ पे 2.5-3 लाख रुपए गज पे एक टाइम पे प्लॉट्स बिके हुए थे और आज की डेट में यहाँ पे 7 लाख रुपए के आसपास की प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं SCOs के। और इसके ठीक आगे भी कुछ लैंड पैच है 1.5-2 एकड़ तो वहां पे भी आने वाले टाइम के अंदर SCOs आएंगे, तो जिन लोगों ने पहले पीछे लिए हुए हैं तो उनके दब जाएंगे SCO और आगे वाले लोकेशन जो प्राइम हो जाएगी। ऑल राइट, सो ये हमारा सेक्टर 111 और 113 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और यहाँ पे अभी हम कवर करेंगे सेक्टर 112। आप अगर ये जिस रोड पे से भी मैं गुजर रहा हूँ अंडरपास के ऊपर से हम जा रहे हैं अभी, तो ये बजगेड़ा का अंडरपास है, राइट साइड में आपका सेक्टर 114 की तरफ ये रोड चला जाता है और लेफ्ट साइड में पालम विहार की तरफ रोड चला जाता है।
और इसके बाद हमारे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो एक्सपीरियन का विंड चैंट प्रोजेक्ट है, सेक्टर 112 के अंदर रेजिडेंशियल सेक्टर है। तो यहाँ पे भी कुछ यू नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे रेडी टू मूव इन के अंदर भी आपको कुछ चीजें मिल सकती है, 2 बेडरूम 2450 स्क्वायर फीट से शुरू होते हैं और 3 बेडरूम 2900, फिर आपके बड़े साइजेस भी हैं 3600 3800, 4 बेडरूम भी है, प्लस विलास पेंट हाउसेज डुप्लेक्स आपके विलामेंट्स, वो सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। प्लस इसके बैक साइड में अगर आप जाएंगे तो कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है ट्रू हैबिटेट का इसके बैक साइड में। इसके पीछे की तरफ 114 कमर्शियल सेक्टर आ जाता है और वहां पे हमारा ऑफिस भी है वीएसआर मॉल के अंदर। ऑलराइट, तो यहां पे भी आपको आपके पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यू नो अवेलेबल है। इसके ठीक बाद में आ जाएगा आपका सेक्टर 109, तो 109 के अंदर आपका रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर्स दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है। और लेफ्ट साइड में आपका 1110A है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आएगा इंडिया बुल्स एनिग्मा। तो 109 सेक्टर का अगर मैं अब आपको बात बताऊं, और आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात करूं तो ऊपर वाला एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे है वो भी ओपन होगा, जिसका इनॉग्रेशन अभी मोदी जी करेंगे। बाकी नीचे से ग्राउंड पे से आप जा सकते हो तो ये पहले से खोला हुआ है, ओपन करा हुआ है। तो आई थिंक जब एक बार ऊपर वाला एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा तो उसका भी हम एक अलग से वीडियो कवर करेंगे, बट एट प्रेजेंट जो कनेक्टिविटी है करंट कनेक्टिविटी उसकी भी मैं आपको फरवरी 2024 का यू नो अपडेट दे रहा हूँ यहाँ पे। और एज फार एज यू नो लेट्स कम टू द प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे राइट साइड में जो 109 सेक्टर है यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, और मोस्टली यहाँ पे रेडी टू मूव इन ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे। अगर आपको इमीजिएटली शिफ्ट करना है तो 109 सेक्टर कुड बी यू नो वन ऑफ द गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे ATS के प्रोजेक्ट हैं, लाइक ATS टर्मेलिन हो गया, ATS कुकून हो गया, फिर इसके अंदर आपके शोभा सिटी है 109 सेक्टर के अंदर जहाँ पे विलास हैं। तो यहाँ पे जो 4-5 करोड़ में विलास लॉन्च हुए थे, आज की डेट में 8 से लेकर 12-13 करोड़ तक के जो विलास विलास हैं आपके, और कुछ कमर्शियल भी हैं यहाँ पे फ्रंट में। अगर आप देखोगे तो कॉन्शियंट का एक मॉल है, फिर यहाँ पे इंडिया बुल्स का मॉल है जो स्टक प्रोजेक्ट है, बाकी उसको एम्बेसी ग्रुप ने ओवरटेक किया हुआ है। उसके बाद न्यू स्क्वायर है वो ऑलमोस्ट रेडी है, और यशिका का भी एक यू नो यहाँ पे प्रोजेक्ट है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपके इंडिया बुल्स एनिग्मा है प्रोजेक्ट। तो इन्होंने इनके दो प्रोजेक्ट है यहाँ पे रेजिडेंशियल, जिसमें से ये एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा एप्रिसिएशन आया, ऑलमोस्ट डबल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पिछले कुछ सालों के अंदर। और अब राइट साइड में जो हमारा 109 सेक्टर गया है, उसके बाद में जो आ जाता है सेक्टर वो आ जाता है सेक्टर 106 एज पर मास्टर प्लान। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो रिसेंटली एलान के दो प्रोजेक्ट आए थे, एक एलान का रेजिडेंशियल आया था रेजिडेंशियल, और एक प्रोजेक्ट आया था एलान का मार्क। ओके, तो उसके अंदर थोड़ी सी अभी ओवर सब्सक्रिप्शन तो हो गया था बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बट कुछ लीगल डिस्प्यूट्स थे जिसकी वजह से अभी वो चीजें अभी क्लियर नहीं है। प्लस इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पारस का ड्यूज है, रेडी टू मूव इन गोदरेज मेरिडियन है, फिर उसके बैक साइड में एमआरजी का क्राउन आ जाता है। तो ये ऑप्शंस आपके सेक्टर 106 में मिलते हैं। और कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर देखो तो बिल्कुल ऑन एक्सप्रेस वे से हार्डली 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स लगते हैं। और अगर मैं विलेज की बात करूं तो इसके पीछे दौलताबाद विलेज आता है, जिसकी जमीन थी ये इनिशियल लेवल पे, जिसको एक्वायर करके सारी कंस्ट्रक्शन हो रखी है यहाँ पे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अलावा यहाँ पे अभी कुछ एक दो और कमर्शियल प्रोजेक्ट भी प्लान्ड है सेक्टर 106 के अंदर। यहाँ पे शोभा का एक नया लॉन्च आ रहा है मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें कुछ रेजिडेंशियल टावर्स भी होंगे दो, और इसके अलावा कमर्शियल डेवलपमेंट भी होगा। अगर आपने 65th एवेन्यू देखा हो या फिर आपने एमथेम का कैपिटल वॉक देखा हो तो आगे कमर्शियल पीछे रेजिडेंशियल, उस टाइप का मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट आएगा सेक्टर 106 में बाय वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड बिल्डर शोभा। ओके, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप हैशटैग शोभा 106 और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे। अभी अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो हमारे लेफ्ट साइड में आ जाएगा अभी सेक्टर 104। तो लेफ्ट में अगर आप देखोगे पीछे की तरफ अगर चल रहा है वो आ रहा है गोदरेज का समिट प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर भी इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था और काफी टावर कुछ चीजें सेफ नहीं पाई गई, और इसके अंदर इन्होंने अपना एक बायबैक ऑफर भी लॉन्च किया था। तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 लोगों ने बायबैक ऑफर चूज किया और 150 करोड़ रुपए भी गोदरेज लगा रहा है इसके रीडेवलपमेंट के लिए, और कुछ लोग हो सकता है और फर्दर यू नो गिव बैक कर दें यूनिट्स जिन लोगों ने लिव ईयर जो सेटिस्फाई नहीं थे। बाकी ये सेक्टर 104 है अगर आप देखें
तो यहाँ पे नए लॉन्च की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देखोगे यहाँ से हीरो की ये लैंड है, सेक्टर 104 में ऑलरेडी एक हीरो का प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट डिलीवरी की स्टेज पे है, प्लस यहाँ पे अगर बात करूँ ये हीरो का लैंड है ऑलराइट, यहाँ पे अभी नया लॉन्च आने वाला है प्लैंड है, तो ये भी बहुत प्राइम लोकेशन पे है, 16-17 एकड़ के आसपास का ये लैंड है ऑलराइट। और यहाँ पे इनिशियली जो पुराना फेज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वो लगभग डिलीवरी की स्टेज पे है, तो यहाँ पे एक 4BHK का टावर लॉन्च किया था इन्होंने, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, 16-17 हज़ार रुपये पर स्क्वेयर फीट के आसपास सेल आउट हुआ था, तो अभी यहाँ पे भी टेंटेटिव यही रेट्स आएंगे, और क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये पुरी का एमरल्ड बे है जो रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर, यहाँ पे भी आपको कुछ 2 बेडरूम 2 करोड़ के नीचे मिल जाएंगे 1550 स्क्वेयर फीट, और 3 बेडरूम 3.5-3.5 करोड़ के आसपास मिलेगा। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेक्टर 103 है, और इसके बिल्कुल यू नो ठीक राइट के अंदर जाके 103 सेक्टर के अंदर यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट है, लाइक इंडिया बुल्स का एक प्रोजेक्ट है, प्लस सत्य आर्मिटेज है, और ये DPS स्कूल आ गया, यू कैन सी DPS स्कूल के बैक साइड में आपका व्हाइट लैंड का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो काफी हॉट है मार्केट के अंदर सेक्टर 103 के अंदर, और यहाँ पे भी अभी अच्छे खासे 3 और 4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, तो इन्होंने पहले ऑलरेडी यू नो एस्पेन लॉन्च किया था, तो सेम प्रोजेक्ट का रेप्लिका यहाँ पे भी आने वाला है, और यहाँ पे स्कूल भी पास है DPS स्कूल, प्लस एक शीतला माता हॉस्पिटल है वो भी पास में है बिल्कुल हार्डली 2 मिनट्स की ड्राइव। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप टाइप कर सकते हो #whiteland103 और भेज सकते हो आप उसको 8858484084 पे। लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो यहाँ पे तो ये प्रोजेक्ट है ETS ट्रैम जो रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर है, इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, अगर आपका बजट है 4 करोड़ के आसपास तो आपको यहाँ पे कुछ मिल जाएंगी चीजें ओके। और ये 104 सेक्टर आ जाता है, इसके अंदर कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है, तो यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट है M2K का जो इसके ठीक बैक साइड में आ जाता है, तो वहाँ पे प्लॉट्स भी आपको मिल जाते हैं, रेट आ जाता है उसका लगभग 1,30,000 रुपये प्लस अदर चार्जेस, प्लस ये वही सेम सेक्टर है जहाँ पे भी रिसेंटली सेंट्रल पार्क ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, अभी हम ऊपर चढ़ेंगे तो आपको उसकी लोकेशन दिखाई देगी लेफ्ट साइड में, जहाँ पे अभी यू नो यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे अभी सेंट्रल पार्क ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था लगभग 23,000 रुपये पर स्क्वेयर फीट पे, और काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया था, तो 10 एकड़ के अंदर लगभग 250 फ्लैट्स थे और वो भी ऑलमोस्ट यू नो सोल्ड आउट हो चुका था, और यही रोड आपका हिरोंडा चौक की तरफ जाता है, तो यहाँ पे आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट मिल जाते हैं आपको, प्लस यहाँ पे रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, तो ये आपका था सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेस वे पे। एंड यू कैन सी अभी यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं तो राइट साइड में ये वो रोड है जो आपका मोदी जी जिसका इनॉग्रेशन करेंगे ओके, सो आप एलिवेटेड एंड टू एंड कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर अभी हम जाएंगे राइट साइड में तो हमारा सेक्टर आ जाता है 102 सेक्टर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एमस्टोरिया आप देख सकते हो, एमस्टोरिया BPTP का लो राइज डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है, प्लस विलास भी हैं, प्लस डुप्लेक्स भी हैं, प्लस इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी हैं, तो यहाँ पे अभी एक हाई राइज भी आएगा BPTP का, तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ और हेरिटेज का एक प्रोजेक्ट है मैक्स 102 सेक्टर के अंदर, प्लस AIPL का जॉय विले है, सॉरी AIPL का जॉय विले नहीं जॉय विले है बाय शाहपुर जी पालोन जी, और इसके अलावा अडानी का प्रोजेक्ट है ऑयस्टर ग्रैंड, इसके अलावा कुछ और भी यू नो प्लॉटेड डेवलपमेंट है बैक साइड के अंदर बाय अडानी, तो ये हो गया आपका 102 सेक्टर। तो यहाँ पे भी एट प्रेजेंट प्लॉट्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एम स्टोरिया में आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, रेट अगर मैं बात करूँ तो 2.5-2.5 लाख रुपए पर स्क्वेयर यार्ड का रेट आ चुका है एट प्रेजेंट, प्लस एक हाई राइज भी आएगा यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर, लैंड काफी पुराना यू नो लिया हुआ है BPTP ने। तो ये हो गया आपका सेक्टर 102 जब हम द्वारका एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं टुवर्ड्स गुड़गांव। इसके बाद वाला अगर मैं सेक्टर की बात करूं रिव्यू देऊं तो वो आ जाता है आपका सेक्टर 99 आता है और फिर 99A, तो 99 मोस्टली यू नो ज्यादा पॉपुलर किस लिए है 99 और 99A, वो प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए यू नो ज्यादा फेमस है मैक्सिमम, तो वहां पे मल्टीपल आपको प्लॉट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि जो सबसे फेमस है वहां पे वो है आपका उपल का G99 प्लॉटेड डेवलपमेंट, वहां पे रेट थे एक टाइम पे 45-50 हज़ार रुपए पर स्क्वायर यार्ड कोविड से पहले भी, और पिछले 3-4 साल के अंदर 4 टाइम रेट्स हो चुके हैं, 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का यू नो रेट चल रहा है एट प्रेजेंट आज की डेट में।
तो उसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस आपको रीसेल में मिल पाएंगे और काफी अच्छी सोसाइटी अंदर से बनाई हुई है, डेवलपमेंट अच्छा करा हुआ है, एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पे G99 के अंदर। प्लस इसके अलावा और छोटे छोटे बहुत सारे बिल्डर्स हैं, नए पुराने, लाइक रेजा वन्या है वो 99A में आ जाता है। फिर इसके अलावा स्पीति हो गया, BST के प्लॉट्स हैं, फिर स्काई वेल्स के प्लॉट हैं, अडानी का भी एक प्रोजेक्ट है, सत्या का प्रोजेक्ट है, मेरिनो ग्रीन्स वो 99A के अंदर आ जाता है, परीना का प्रोजेक्ट है जो रेडी टू मूव इन फ्लोर फ्लैट है, फिर परीना कोबान आ जाता है। तो वो जो हमारे राइट साइड में जो सेक्टर चल रहा है वो है। प्लस ओकस मैडली है जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे बीकानेर वाला वगैरह ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑफिस कॉम्प्लेक्स है इधर। तो ये आपका 99 एंड 99A सेक्टर हो गया जो हमारे टूवर्ड्स राइट हैंड साइड अभी चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो अभी ये आपका सेक्टर 37D आ जाता है और उसके पीछे 37C आ जाता है। तो यहाँ पे BPDP का लैंड है, सिग्नेचर ग्लोबल का काफी अच्छा लैंड है यहाँ पे, और 37D में अभी इनका काफी अच्छा लॉन्च आया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उसको मार्केट से, और यहाँ पे 3 और 4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन लेके आ रहा है। प्लस इसके अलावा यहाँ पे अभी दवराज का नया लॉन्च आ रहा है, इसके अलावा BPTP अपना एक नया लॉन्च लेके आ रहा है, 3500 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट 4 बेडरूम 5.25 करोड़ रुपए से स्टार्ट। ओके, तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो #BPTP3070 और आप भेज सकते हो उसको 8858484084 पे। सिग्नेचर ग्लोबल ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुका है, तो उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेने बंद कर दिए हैं, अभी वो फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे जो भी EOIs उन्होंने दिए हुए हैं। कुछ अगर कैंसिलेशन आती है तो वो आपको यूनिट मिल सकती है, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है इस प्रोजेक्ट में। उनका एक फ्रंट में एक और टावर आएगा, वो बाद में आएगा, तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे बैलून लगा हुआ है, तो उसकी लोकेशन आपको शायद थोड़ी सी क्लियर हो जाए 37D के अंदर। तो यहाँ पे आपका नवराज के भी नया लॉन्च आने वाला है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे आपको यहाँ 37D के अंदर। ओके, और अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे सेक्टर 88A और B आएंगे। तो यहाँ पे 88A में वाटिका का लैंड बैंक है, तो वाटिका के भी प्लॉट्स का रेट अभी 1.5 लाख 1,50,000 1,60,000 रुपये टच कर चुका है, और यहाँ से इसके अलावा यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो आपको रहेजा के भी प्लॉट्स मिल जाएंगे, रहेजा राष्ट्रा करके एक प्रोजेक्ट है इधर राइट साइड में भी आएगा। और ये अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ये आपका AMB है, तो इसके भी आई थिंक थोड़ा पोजेशन के चांसेस बन रहे हैं, शीशे वगैरह लगने शुरू हो गए हैं। बाकी ये प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना है, स्ट्रक्ड है, नया बिल्डर था, बहुत ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। बाकी यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट था पीछे चला गया है वो वाटिका का, तो सॉवरियन हाइट नेक्स्ट करके आई थिंक, तो उसको भी एक्सपीरियन ने फंडिंग दी है, तो वो भी शायद अभी कंप्लीशन पे आ जाएगा आई होप। तो ये जो लेफ्ट राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे वाटिका के ये आई थिंक फ्लैगिंग हो रखी है, तो यहाँ पे इनके SCOs भी हैं फ्रंट में और बैक साइड में इनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो एप्रिसिएशन तो अच्छा खासा आ गया है, बाकी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते वाटिका के ऊपर एट प्रेजेंट सीनेरियोज के अंदर, जब तक वो पुराने प्रोमिसज डिलीवर नहीं करते। इसके बाद आ जाता है आपका रहेजा राष्ट्रा करके एक प्रोजेक्ट है, वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर। प्लस लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो अगर आपको बने बनाए SCOs चाहिए तो ये कोर्टयार्ड 37D है रॉयल ग्रीन्स, तो इनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है, बट एक दो प्रोजेक्ट इनके गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे और फिर आई थिंक बहादुरगढ़ के अंदर है। तो SCOs बने बनाए SCOs चाहिए तो आपको 5.5-6 लाख रुपये गज में वो मिल सकता है। प्लस राइट साइड में अगर आप देखें तो 88A सेक्टर है और पटौदी रोड से जस्ट पहले हैं हम, तो यहाँ पे आपका रहेजा के SCOs आ रहे हैं और SCOs आ रहे हैं प्लस रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, तो अगर उसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वैसे रहेजा की अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टली तो हाई राइज में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट लो राइज के अंदर आप यहाँ पे प्लॉट में और SCOs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती उनको डेवलपमेंट। ओके, और उसका आपको पोजेशन जल्दी मिलता है और उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो जल्दी डिलीवर करते हैं, तो डिलीवरी जल्दी मिलती है, रजिस्ट्री आपकी जल्दी हो जाती है और एप्रिसिएशन भी आपको जल्दी आ जाता है। प्लॉट और क्योंकि प्लॉट है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करना, बाकी हाई राइज अभी जब तक चीज़ें स्टेबलाइज नहीं होती रहेजा के अंदर तब तक प्लॉट में आप जा सकते हैं SCOs में जा सकते हैं, बट हाई राइज में आप अगर अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये था, अभी हम पटौदी रोड से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, तो राइट साइड में अगर आप जाते हैं नीचे इस फ्लाईओवर से नीचे जाते तो राइट साइड में आप साइड न्यू गुड़गांव की तरफ आप एंटर कर सकते थे, सेक्टर 89 हो गया, 90, 91, 92, 93। राइट, तो ये वो था। प्लस इसके बाद जो सेक्टर आएगा राइट साइड में आएगा सेक्टर 88 और लेफ्ट साइड में आएगा हमारा सेक्टर 36A।
राइट साइड में की अगर मैं बात करूं तो 88 प्योरली कमर्शियल सेक्टर है। तो अभी यहाँ पे एक नया लॉन्च आ रहा है, AIPL का कमर्शियल लॉन्च है, तो उसके अंदर अगर आप इंटरेस्टेड है तो भी आप #AIPL88 टाइप करके आप भेज सकते हैं हमको। प्लस लेफ्ट साइड में भी एक और हॉट लॉन्च आ रहा है, उसकी मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे तीन यू नो डेवलपमेंट आ रहे हैं और उसका चौथा डेवलपमेंट भी आ जाए। ये 36A है, प्लस यहाँ पे ना ग्लोबल सिटी प्लान है 1000 acres की लेफ्ट साइड में। तो ये आपका सेक्टर 36B, 37B एंड 36 एंड 37 आ जाता है। तो यहाँ पे 1000 acres के आसपास यू नो ग्लोबल सिटी प्लान है, उसके बिल्कुल ठीक एडजस्टेंट आपका इसकी कृष्णुमी की लैंड थी, जो एक ज्वाइंट वेंचर है कृष्णा मोटोकॉर्प इंडिया और सुमी मोटोकॉर्प जापान। तो उनका ज्वाइंट वेंचर है सुमी मोटो का कृष्णुमी। तो इनकी क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो ए ग्रेड है। अगर आप एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो वन ऑफ द यू नो बेस्ट प्रोडक्ट यू नो यू कैन एवर गेट। तो यहाँ पे भी अभी इनका पहला जो फेज था वो आप देख सकते हैं सामने, वो ऑलमोस्ट डिलीवरी की स्टेज पे आ चुका है, अभी हम उसको नजदीक से देखेंगे। प्लस इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे, तो उन्होंने कुछ लैंड बेचा है अभी अडानी को और कुछ लैंड बेचा है मैक्स को। तो अडानी और मैक्स अपने नए लॉन्च लेके आएंगे। मैक्स अपना एक जो नोएडा के अंदर उनका जो सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे और लेके आएंगे, और 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट होगा, और वो अपनी अपनी हायरिंग वगैरह कर रहे हैं। और ये आ जाता है गोल चक्कर, जहाँ पे आप सामने देख सकते हैं एलान मिरेकल है यू कैन सी, और ये रोड आगे जाएगा न्यू गुड़गांव की तरफ गोल चक्कर से। और इस रोड पे बड़ा एक हॉट प्रोजेक्ट आ रहा है गोदरेज का, गोदरेज 89 सेक्टर के अंदर अपना एक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे ना प्रोजेक्ट लेके आ रहा, काफी जबरदस्त प्रोजेक्ट है। 2, 3 एंड 4 बेडरूम के यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है। पहले उनकी एक्सपेक्टेशन थी 18,000 से 20,000 रुपए पे लेके आएंगे, बट अभी एट प्रेजेंट जो सुनने में है वो 16,000-17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आएगा। सो दैट कुड बी वन ऑफ द गुड बैट। सामने जाएंगे तो 83 सेक्टर आ जाएगा, और 83 सेक्टर के अंदर भी एक वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट आ रहा है SCO का। SCO किसके SCO आ रहे हैं वहां पे आ रहे हैं MR के SCOs, और SCOs के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वहां पे आप दे सकते हो। प्लस वहां पे SS ग्रुप एक सिंडाना 83 के अंदर, अगर आपका बजट कम है 1.5 करोड़ तक का बजट है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे तीन डेवलपमेंट आपको बताए थे, एक अडानी का लॉन्च आएगा 36A के अंदर, प्लस एक कृष्णुमी का लॉन्च आएगा सेकेंड, थर्ड आपका मैक्स का लॉन्च आएगा ऑलराइट, और एक और लॉन्च आएगा उसकी लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, बट अभी बिल्डर क्लियर नहीं है, मे बी वो M3M का लैंड है या शायद और किसी का लैंड है अभी आई एम नॉट श्योर। बट आप सामने देख सकते हैं इसका जो कृष्णुमी का जो फेज वन है वो ऑलमोस्ट डिलीवरी की स्टेज पे है, 2-3 महीने के अंदर और डिलीवरी देना स्टार्ट कर देंगे ये। और इनके स्ट्रक्चर की जो यू नो क्वालिटी है हर एक चीज के अंदर परफेक्शन आपको मिलेगी बिकॉज ऑफ द जापानीज कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग। तो ये था आपका यू नो कृष्णुमी वाला लैंड, और अभी हम NH8 पे टच करने वाले हैं क्लोवरली फ्लाईओवर पे। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक और प्रोजेक्ट है AVL का, वो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है अगर आप सामने देखेंगे ना, तो ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। अगर आप रेंटल रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, बट यहाँ पे काफी अच्छा खासा यू नो ROI आ जाता है इन टर्म्स ऑफ रेंटल, तो ये भी काफी हाई डिमांड में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। और राइट साइड में ये वाला जो एरिया है आपका ISBT और ग्रीन एरिया रहने वाला है राइट साइड वाला, तो ISBT भी प्लान है इस इधर। तो ये थे आई थिंक जो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स थे, और यू नो द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर जो एट प्रेजेंट ग्राउंड रियलिटीज हैं वो। आई होप आपको यू नो वीडियो अच्छा लगा होगा अभी तक, इसको भी हम थोड़ा सा एंड करेंगे बिकॉज वी आर यू नो अबाउट टू रीच टू द क्लोवर लीफ फ्लाई ओवर, और वहाँ पे NH8 हम क्रॉस करेंगे एंड आई विल शो यू कि यहाँ तक इनॉग्रेशन करेंगे मोदी जी जो आपका दिल्ली साइड वाला। देखिए लेफ्ट साइड में जो लैंड है ना यहाँ पे भी मे बी नया लॉन्च आएगा अभी, अभी बिल्डर क्लियर नहीं है एग्जैक्टली किसका बिल्डर किसका लैंड है अभी ये, बट यहाँ पे भी अभी एक लॉन्च प्लान है। और ये अगर अभी हम क्लावरली फ्लाई ओवर करेंगे पार NH8 को, तो वो वहां तक का जो पैच है उसको हम द्वारका एक्सप्रेस वे कहते हैं, और उसके ऊपर बाद चले जाएंगे तो हम SPR पे एंटर कर जाएंगे बाय क्रॉसिंग यू नो NH8। तो अगर आप देखेंगे सामने लेफ्ट में आपका राजीव चौक जा रहा है स्ट्रेट सोना जयपुर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे पहुंच जाएगा, और राइट साइड में आपका जयपुर की तरफ निकल जाएगा रोड। फिर लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे वो सामने वो DLF के कॉर्पोरेट ग्रीन सर, यहाँ पे इनकी जो साइबर सिटी 2 है वो प्लान्ड है सेक्टर 74A and 75A के अंदर अगर आप देखेंगे एज पर मास्टर प्लान। सो आई होप यू गॉट ए फेयर आइडिया इन टू दिस यू नो वीडियो कि अभी एट प्रेजेंट यू नो द्वारका एक्सप्रेस वे के अंदर क्या डेवलपमेंट है, क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं,
बिकॉज ऑफ दिस यू नो 9,000 करोड़ रुपीज का जो प्रोजेक्ट है, बिकॉज ऑफ यू नो गडकरी साहब ये कंप्लीट हुआ है, कि अदरवाइज ये 12-13 साल से यू नो अटका हुआ था, तो मे बी यू नो इलेक्शन से पहले ये दिल्ली का पार्ट क्लियर नहीं है, बट फिर भी दे आर इनॉग्रेटिंग, बट आई थिंक दे डिजर्व इट, क्योंकि जो प्रोजेक्ट यू नो कांग्रेस राज के अंदर काफी टाइम से अटका हुआ था वो प्रोजेक्ट फाइनली क्लियर हुआ, ऑल द लैंड एक्विजिशन हर्डल्स गॉट क्लियर्ड, क्योंकि इसको NH8 का नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया द्वारका एक्सप्रेसवे को, अदरवाइज बहुत सारी लैंड एक्विजिशन की जो हर्डल्स थी वो क्लियर शायद नहीं हो पाती, सो ऑल क्रेडिट गोज टू बीजेपी गवर्नमेंट एंड गडकरी साहब एंड मोदी जी, एंड यहाँ पे अभी हमने NH8 क्रॉस कर लिया है और अभी हम SPR पे एंटर कर चुके हैं, सो यू कैन सी अभी हम SPR पे एंटर कर चुके हैं और लेफ्ट साइड में हमारा DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स आ जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इनके से अगर वीडियो बहुत अच्छा हो लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी यू नो गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर द्वारका एक्सप्रेस वे के इन एंड अराउंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उनकी एक हेल्प हो सके और प्लस मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, और आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई स्पेशल ख्वाहिश है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और अगर आपका कोई फेवरेट प्रोजेक्ट है और जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं या कवर करूं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए, सो दैट वी विल यू नो ट्राई टू कवर दैट प्रोजेक्ट केयर। जाते जाते रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियो मैं लगातार लेकर आता रहता हूं। अगर आपने मेरे चैनल का एक वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर।